तो वैद्य जी, ब्रेक के बाद आइए, देखते हैं अब आपके ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मैं शुभ्रा त्यागी देहरादून से हूँ। मेरी नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, इस कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे सर में दर्द रहता था, मुझे छींकें आती थी, मेरे को बुखार रहता था, मैं सर्दियों में काम नहीं कर पाती थी। मुझे वैद्य जी के पास आते हुए 1 महीना हुआ। हमें अपने किसी संबंधी से उनके बारे में पता चला और हम यहाँ आए। 1 महीने की दवाई में मेरे को काफ़ी आराम है, सर का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बाकी और प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सही हो रही हैं। मैं वैद्य जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी 12-15 साल पुराना बीमारी का इलाज किया और मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ वह इसी तरह से सबका भला करते रहें। देहरादून से शुभ्रा त्यागी जी, जिनको जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता था, बुखार रहता था, तो क्या इनको साइनस की प्रॉब्लम थी और क्या दिक्कत थी इन्हें जब आपके पास आए, क्या ट्रीटमेंट इन्हें मिला कि आज ये स्वस्थ हैं? ऋचा जी, ये बीमारी बहुत छोटी है लेकिन कभी कभी आदमी को बहुत बुरी तरह से परेशान कर देती है। और जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो या नाक में पॉलिप भर रहे हों, साइनोसाइटिस की दिक्कत हो, कभी भी अचानक ही सिर में दर्द होने लगता है और सिर दर्द के साथ साथ इसमें बुखार भी आता है। शमल मूत्र अवरोध से पेशाब हम रोकें या लैट्रिन आ रही हो, नहीं कर पा रहे हो, मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ वेग अधारणीय जिनको रोकना नहीं चाहिए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, बर्फ़ इत्यादि का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से अक्सर इस प्रकार की दिक्कत बनती है, या बहुत ज़्यादा सर्द गर्म होने से, एसी में या बाहर चले गए, बाहर गर्मी से फिर एसी में आए, अक्सर इस प्रकार की दिक्कत बनती है। शमल मूत्र अवरोध से बर्फ व रुक्षाहार, अधिक परिश्रम से बढ़े अधारो भेद विकार, अधारो भेदक रोग में ज्वर प्राय आ जाए, जिधर व्यथा बढ़ती अधिक नेत्र ज्योति घट जाए, इसमें अक्सर आँख की ज्योति भी कमजोर पड़ने लगती है। बुखार तो रहता ही है, सिर में दर्द भी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है और ये सारे लक्षण इनके साथ थे। जो मैं पहले भी कई बार कहा, इनको मैंने कहा कि आप अपना मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करो, दिन में एक बार गर्म पानी की भाप जरूर लें। अक्सर लोग गर्मियों में कहते हैं कि हमको भाप लेने से दिक्कत होती है, गर्म भी बहुत लगती है, तो मैं कहता हूँ कि शाम के समय आप ले सकते हैं। यदि शाम को भी लेने में दिक्कत होती है तो दिन में एक बार जल नेति अवश्य करें। जल नेति में जितना गर्म पानी हम टॉयलेट कर सकें, एक लोटा है जिसपे हम, शंकर जी आपने देखा होगा, भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और उसमें एक नाव लगी रहती है, पानी उसमें से निकलता है, पानी गर्म कर लें, उसमें आधी चम्मच खाने का सोडा और चौथाई चम्मच सेंधा नमक मिलाकर एक नाक से लगाएंगे तो दूसरी नाक से पानी आने लगता है। जब आधा लोटा हो जाए तो इधर से लगाएं, तो इधर से पानी आने लगता है। इस प्रयोग को करने से साइनस में बहुत लाभ मिलता है। और साथ में हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, सितारी वटी और दूसरा प्रतिशय नाशक वटी। सितारी वटी की द्वय वटी करती रुक संघार, मंद ज्वर में नीर से है पीनस का उपचार। सितारी पीनस यानी के साइनोसाइटिस के साथ साथ जो हल्का फुल्का बुखार हो उसको भी ठीक करती है। मैंने इनको प्रतिशय नाशक वटी के साथ सितारी वटी दी और साथ में अक्सर मैं कहता हूँ कि 3 बूंद षडबिंदु तेल की इधर और 3 बूंद इधर हम डालते रहें। मैंने इनको प्रयोग में दी, इनको भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा कि काफ़ी लाभ मिला, अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। और अक्सर लोग धूल से, धुएं से कई बार एलर्जी हो जाती है, सर्द गर्म तो होता ही है, धूल और धुआं इससे भी बचना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा झाड़ू लगा रहे हैं तो एकदम से छींक आने लगती है, उसके बाद नाक बहने लगे या नाक बंद हो जाए, या छोंक लगाते हों तब भी ये दिक्कत बनती है। तो अक्सर जिनको इस प्रकार की दिक्कत बने, नाक पे कपड़ा अवश्य रखें, धूल उड़ रही हो तो नाक पे कपड़ा रख लें तो एलर्जी से बच सकते हैं। तो अक्सर जो बीमारी होती है
इस तरह के प्रयोगों से होती है, इन चीज़ों से बचना चाहिए।